हे गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है निशांत कुमार। आई होप आप सब लोग DFCCIL के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई होप। तो दोस्तों, जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, जीके का जो सिलेबस है, वो काफ़ी वाइड रहता है, और जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी काफ़ी कम आने वाले हैं। जीके से अप्रोक्स हम 12 या 12 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 क्वेश्चंस का उन्होंने सिलेबस दिया है, तो उन 12 क्वेश्चंस में 8 से 10, 5 या 6 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से रहेंगे, बाकी जीके वगैरह से भी रहेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह से भी, करंट वगैरह से भी। तो जो ये वाइड हिस्ट्री है, उसको कैसे कम समय में ज़्यादा कवर करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगा आपको हिस्ट्री की कुछ क्लासेस वगैरह दे दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दे दूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट उन चीज़ों को पढ़ना है, जो हिस्ट्री में जो की इवेंट्स है ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली एक स्ट्रेटजी के लिए बनाया है कि आप लोग जब आप अपनी प्रिपरेशन करो, तो एक स्ट्रेटजी के साथ करो, एक अच्छे इवेंट को बना के करो, ठीक है। हिस्ट्री तो खैर काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो मैं आप उस बड़े सब्जेक्ट का एक छोटा सा ट्रेलर देना चाहता हूं कि यार, अगर उस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ा जाए, तो एक ट्रेलर क्या रहेगा। आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज रहती है 3 घंटे की, ढाई, आजकल तो 2.5 घंटे की होने लगी है, तो 2.5 घंटे की जो मूवीज रहती है ना, तो उसका एक 2.5 मिनट का एक ट्रेलर निकाल देते हैं कि मूवी में होगा क्या क्या, उसको 2.5 मिनट में पहले दिखा देते हैं और ऑडियंस को बताते हैं कि इससे ज्यादा डिटेल आपको मूवी में मिलेगा। तो जो पूरा हिस्ट्री है आपका, हो सकता है उसको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे पढ़ने में, बट उसका जो की पॉइंट है, की इवेंट्स है, उसको मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आपकी स्क्रीन पे भी ये फोटो दिखेगा, मैं टैबलेट में पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये जो इवेंट्स हैं हिस्ट्री की 1857 से लेके 1947 तक की, ये जो 10-12 इवेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेलर है। ये डेट्स अगर आपको याद रह गई, तो आप हिस्ट्री को समझने में बहुत आसानी, आप हिस्ट्री को यूं समझ जाएंगे। अगर आपने ये डेट्स याद रख ली, तो मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चंस तो इन्हीं के आगे पीछे से हो जाएगा, एलिमिनेशन से आप क्वेश्चंस को कर दोगे। तो एक बार आप, हम ट्रेलर देख रहे हैं हिस्ट्री को, पूरा हिस्ट्री का जो 5 घंटे की हिस्ट्री है, उसको पढ़ने से पहले एक बार हम ट्रेलर देखते हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हिस्ट्री मतलब खुद की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, ऐसे नहीं, इंडियन हिस्ट्री। ओके, चलो देखो, 1857 में स्पार्क ऑफ आजादी बाय मंगल पांडे, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, वॉयस राय थे करजन। 1906 में मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई। 1911 में राजधानी को न्यू कलकत्ता से न्यू दिल्ली कर दिया गया। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन चला, जिसमें ब्रिटिश ने इंडिया को धकेल दिया। 1919 में 13 अप्रैल, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी 13 अप्रैल 1919 गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 2019 में उसको 100 साल हुए थे, 2019 2-3 साल पहले था ना, बहुत। बहुत बड़ी घटना है ये। 1919 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा होना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पास होना ब्रिटिश के द्वारा। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू का आउटब्रेक होना। 1941 में बोस का भारत से एस्केप हो जाना। मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंसेस क्रिस्प मिशन का आना, और मई 1942 में गांधी जी का क्रिस्प से मिलना, और अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट हो जाना। 1943 में सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी के लिए चार्ज ले लेना। 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हो जाना और लेबर पार्टी का स्टार्ट हो जाना। 1946 में गांधी और जीना का आपस में टॉक ब्रेक डाउन हो जाना और कम्युनल राइट्स का फॉर्म हो जाना। 1947 में ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम पार्टीशन इस पे एग्री हो जाना, कि ब्रिटिश कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पार्टीशन पे एग्री हो जाना। और फाइनली अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस। ये देखा मैंने, पूरी 1857 से लेकर 1947 तक की जितनी भी की इवेंट्स थी ना, मैंने उनको मार्क कर दिया, अपने ट्रेलर में डाल दिया। तो अब हम इसी तहत हम अपनी हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, और भी मैं वीडियोस लाऊंगा जो इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है, वो गांधी जी के अराउंड बहुत रिवॉल्व करती है। तो मैं गांधी जी से रिगार्डिंग कुछ PDFs हैं, वो आपसे शेयर करूंगा, वो हम आपसे पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो वो
वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ कंटेंट चाहिए, क्रिस्प कंटेंट चाहिए, समय कम है और टू द पॉइंट हमको कंटेंट चाहिए, कम समय में ज्यादा, प्लीज इस चैनल पे आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं इंडियन हिस्ट्री की और भी वीडियोस आपसे लाऊंगा, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, और हमें गांधी जी की गांधीयन एरा पे भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज मुझे बताइएगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में, मैं जरूर कोई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा उसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।